मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि क्रिया शब्द से ही आपको पता चलता है कि काम का होना, जो हम काम करते हैं उसी को क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, बोलना, हंसना, खाना, जो भी कार्य हम करते हैं वो क्रिया कही जाती है। अब इसमें धातु के बारे में भी आप समझ लीजिए। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे कि चलना, चलना का मूल रूप क्या होगा? चल। पढ़ना का पढ़। तो जो मेन मुख्य रूप होता है, मूल रूप होता है, उसे धातु बोलते हैं। जैसे पढ़, लिख, गा, सो, हंस, जा, दे, इनमें हम ना या कुछ लगा के क्रिया बनाते हैं। ठीक है, अब क्रिया के भेद के बारे में जान लिए। क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला कर्म के आधार पर, दूसरा रचना के आधार। ठीक है, अब इनके में भी भाग है, दो भेद है, पहला कर्म, दूसरा रचना। इसके बाद पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, पहली सकर्मक, दूसरी अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म होता है, नाम से विपरीत है, सा मतलब जिसमें कर्म है। जैसे सीता दूल्हा जो है वो भी गीत गाता है। ठीक है, यहाँ पे कर्म क्या है? गीत। गाता क्या है? क्रिया। जहाँ कर्म है वहां पे सकर्मक क्रिया होगी। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल कर्म हो गया, खेलना कर्म क्रिया हो गया। इसकी पहचान ये है, जब हम इस वाक्य में क्या लगाएंगे और उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मोहित क्या गाता है, तो उत्तर मिलेगा गीत, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। तो सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए वाक्य में क्या प्रश्न लगाएंगे और जब उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है, उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया होती है। इसका और उदाहरण देखते हैं। जैसे अकर्मक क्रिया में लड़कियां हंस रही है, ठीक है ना, लड़कियां हंस रही है क्रिया है। अब क्या इसमें लगाओ कि क्या हंस रही है, ये तो नहीं देखोगे ना। अगर होता ना कि जोकर को देख के हंस रही है या कुछ भी ऐसा होता, कर्म होता तो वो सकर्मक होती, लेकिन कर्म नहीं है तो वो अकर्मक क्रिया है। दूसरा, सुहासिनी नाच रही है। अब अगर नाच रही है, नाचना अपने आप में एक क्रिया है, तो अगर इसमें क्या लगाएंगे तो क्या कुछ उत्तर मिलेगा? नहीं, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। जहाँ कर्म नहीं हो वहां पे अकर्मक क्रिया, और जहाँ कर्म हो, जैसे गीत है किसमें क्रिया के पहले तो गीत कर्म हो गया। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को, राम रावण कर्म हो गया और मारा क्रिया हो गई, तो ये भी जो है वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से हम सकर्मक अकर्मक को समझते हैं। सकर्मक में दो भाग होते हैं, पहला एक कर्म, दूसरा द्विकर्म। कभी कभी एक ही कर्म होता है, जैसे बच्चा पानी पीता है, एक ही क्रिया हो गया ना, तो बच्चा पानी क्या पीता है? बच्चा पानी पीता है, तो वो सकर्मक क्रिया हो गई, एक कर्म हो गई। एक और अगर देखिए, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, लड़के क्या खेलते हैं? लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो ये भी एक कर्मक क्रिया हो गई। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। जैसे अध्यापकों ने छात्रों को व्याकरण पढ़ाया, तो पढ़ाना अपने आप में क्रिया हो गई, एक कर्म हो गया छात्रों को, दूसरा कर्म हो गया व्याकरण, दो कर्म हो गए, तो वो कौन सा होगा? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला है, माँ ने बच्चों को दूध पिलाया, पिलाना तो क्रिया हो गई, दूध कर्म हो गया, और बच्चे को, तो दो कर्म हो गए ना, बच्चे को भी कर्म हो गया और दूध भी कर्म हो गया, तो दो कर्म हो गए, तो वो द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन ये सब सकर्मक क्रिया के मैं उदाहरण बता रही हूँ। अकर्मक क्रिया का एक ही है, जहाँ कर्म नहीं होगा वहां पे अकर्मक क्रिया होगी। अब सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं? क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, कहाँ आदि लगाकर प्रश्न करने पर उचित उत्तर मिले तो वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे सीता सो रही है, तो सीता कहाँ सो रही है? कोई उत्तर नहीं मिलेगा। सीता क्या सो रही है? कोई उत्तर नहीं मिलेगा, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। महेश खाना खाता है, महेश क्या खाता है? खाना खाता है, उत्तर मिलता है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब सकर्मक क्रिया को हमने समझ लिया, इसके और अभ्यास कराएंगे, और ज्यादा इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम पहले क्रिया को पूरा जान लें। तो क्रिया का दूसरा भेद रचना के आधार, ठीक है, रचना के आधार पर चार भेद है, पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा प्रेरणा, चौथा नाम धातु। सामान्य क्रिया, जब वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, ठीक है, तो ये एक कर्म का प्रयोग हो रहा है, तो ये सामान्य क्रिया होगी। मैं गांव गया, तो
यहाँ भी एक ही कर्म हो रहा है तो ये सामान्य क्रिया होगी। तो इसका पहचान कैसे करेंगे, जब वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। एक तरह से हमसे सकर्मक का एक कर्मक परावर्तन में समझ लीजिए, सामान्य क्रिया वो लगभग एक जैसी होती है। एक क्रिया होगी तो सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है, लेकिन एक क्रिया होगी तो सामान्य क्रिया कही जाएगी। बच्चों जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न में उत्तर हम ऊपर लिखते हैं कि आपको रचना के आधार पर भेद बताने हैं या कर्म के आधार पर, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन में लिखते हैं कि आपको कर्म के आधार पर भेद बताना है या रचना के आधार पर, ठीक है। तो अगर कर्म के आधार पर पूछेंगे तो आपको सकर्मक का कर्म बता रहा है, अगर रचना के आधार पर पूछेंगे तीन चारों में से एक बता रहे हैं। दूसरा हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में जब वाक्य में दो या दो से अधिक पदों वाली क्रिया का प्रयोग हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राजीव घर चला गया, गया अपने आप में एक क्रिया है, चला जल भी क्रिया है, तो दो क्रिया का जीवन है तो वो कौन सी हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। दूसरा है महेश बाजार से लौट आया, लौटना अपने आप में एक क्रिया है और आया भी क्रिया है तो दो क्रियाएं हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। अगला प्रेरणा, प्रेरणार्थक क्या होता है, क्रांति किसी को प्रेरणा देने कोई कार्य करता है तो प्रेरणार्थक क्रिया कही जाती है। तो यहाँ पे क्या है, इसके भी दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम में क्या है, जोकर दर्शक को हंसाता है तो दर्शक को ऐसे काम करता है, ऐसे प्रेरणा देता है कि दर्शक हंसे, तो यहाँ पे एक क्रिया हो रही है तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। माँ बच्चे को झूला झुलाती है तो माँ डायरेक्ट कोई काम कर रही है, डायरेक्ट काम कर रही है तो वो क्या हो जाएगा, एक कर्मक प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। दूसरा प्रथम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य को प्रेरणा देके उससे कार्य करवाता है। जैसे पिताजी दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं, पिताजी स्वयं नहीं करते, वो दर्जी को प्रेरणा देते हैं और कपड़े सिलवाते हैं तो वो कर्मक प्रेरणार्थक सॉरी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए, प्रेरणार्थक में हम कोई काम किसी को प्रेरणा करके करवाते हैं, जैसे बच्चे को सुनाते हैं, अध्यापक पढ़ाता है, या जो भी काम हम दूसरे से करवा रहे हैं डायरेक्ट हम करवा रहे हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी। अगर हम किसी और से करवा, जैसे हम नौकर से सब्जी कटवा रहे हैं, नौकर से सामान मंगवा रहे हैं किसी और से, तो दो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी, मतलब इसमें एक आदमी दूसरे को प्रेरणा देके कार्य करवाता है। तीसरा अपना होगा चौथा आपका होगा नाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अनुकरण वाची शब्द में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया को नाम धातु कहते हैं। ज्यादातर किसी भी क्रिया में ना लगाना से वो जो है नाम धातु बनती है, जैसे हाथ से हथियाना, गर्म से गर्माना, ठीक है। दुखना, टकराना, झुठलाना, क्या है हथियाना, रंगना, खरीदना, अपनाना, ये सारी जो कौन सी क्रिया है, ये नाम धातु। लास्ट में आना प्रत्यय लगा रहेगा तो ये नाम धातु क्रियाएं बन जाएंगी। फिर से एक बार देखिए, सकर्मक क्रिया कर्म के आधार पर दो भेद है, सकर्मक का कर्म, इसमें सकर्मक वो है जिसमें बीच में कर्म होता है, जैसे गीत कर्म है, राम ने रावण को मारा ये सकर्मक हो गए क्योंकि रावण कर्म हो गया। अकर्मक में कर्म नहीं होता है, जैसे लड़कियां हंस रही हैं, वह गाती है, गाती है क्या गाती है तो नहीं अवतर मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। रचना के आधार पर चार भेद है, सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया में जब एक ही क्रिया रहेगी साधारण वाक्य रहेगा तो वो सामान्य क्रिया रहेगी। संयुक्त वाक्य में क्रिया में दो क्रिया मिली रहती है, जैसे राजीव घर चला गया तो चलना मैप में क्रिया है, गया भी एक क्रिया होती है, दो क्रिया मिली है तो वो संयुक्त क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक में जब हम किसी को प्रेरणा देने कोई कार्य करवाते हैं तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जैसे अध्यापक पढ़ाता है बच्चों को तो अध्यापक प्रेरणा देके बच्चों से उसको पढ़ाता है ना, तो प्रथम प्रेरणार्थक होगी। अगर किसी दूसरे से काम करवाते हैं, जैसे नौकर से सामान मंगवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। नाम धातु में आना प्रत्यय आदि लगा के जो शब्द बनते हैं, प्रत्यय लगा के जैसे गरमाना, हथियाना, हिनहिनाना, ये सब सारी जो क्रियाएं होंगी वो नाम धातु के अंतर्गत आती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगला हम अगले पाठ में करेंगे। इसकी एक्सरसाइज की मैं फोटो भेजूंगी, सभी ध्यान से करना, बुक की सारी एक्सरसाइज आपको ध्यान से पढ़ना क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, पाठ ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि पाठ में से कहीं भी हम इतने सारे क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे, तो पाठ में से कहीं से प्रश्न उठाएंगे।
सारे किताब के पार्ट जो है हिंदी फर्स्ट सेकंड अभ्यास से पढ़ेगा, ठीक है।